रुकिए 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 थोड़ा सा, ये बताइए कि आज नामांकन आपने किया है, कितने सेट में किया है? मैं आज 3 सेट में नामांकन किया हूँ और 14 तारीख जो एक सेट और है आखिरी दिन एक सेट में और मैं दाखिल हूँ। किस दल से आपने किया है? मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घोसी लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या मुद्दे होंगे आपके? मेरे मुद्दे होंगे देश के, कुछ तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, कुछ लोकल मुद्दे हैं। राष्ट्रीय मुद्दे का कि मैं सरकार की नीतियों का विरोध करता हूं और ये मानता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी यदि सत्ता में आती है तो भारत का संविधान नहीं बचेगा और जो SC ST OBC के लिए जो आरक्षण है वह भी खत्म हो सकता है और ये 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव हो सकता है और यदि भाजपा यदि सत्ता जाने से घबराएगी तो 2029 के पहले अनाशाही को बैठा सकती है और देश में इमरजेंसी घोषित कर सकती है, लेकिन मैं इसका विरोध। अमित शाह कह रहे हैं कि इस तरीके की बातें नहीं है, गुमराह किया जा रहा है, कोई लोकतंत्र पे खतरा नहीं है। सत्ता में बैठे हुए लोग झूठ बोल करके सत्ता में आए, उन्होंने 2014 में देश के सामने 140 करोड़ लोगों के सामने वादा किया कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, 10 साल में 20 करोड़ सरकारी नौकरी देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 1 करोड़ भी नौकरी नहीं दिया। उन्होंने एक दूसरा वादा किया, यदि हम सत्ता में आएंगे तो भारत के प्रति नागरिक के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, लेकिन अब तक 15 रुपया भी खाते में नहीं आया। तीसरा उन्होंने वादा किया था कि विदेशी बैंकों में जो काला धन विपक्षी नेताओं का है उसको देश में लाएंगे और जो भ्रष्टाचार में नेता लिप्त हैं उनको जेल में भेजेंगे। इस वादे को भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पूरा किया। तो जब 2014 का घोषणा पत्र जब उन्होंने झूठ बोल करके चुनाव सत्ता में आए, 2019 में भी झूठ बोल कर सत्ता में आए और 2024 में जनता जागरूक हो रही है, भारतीय जनता पार्टी हार रही है, वो 400 का नारा दे रही है लेकिन उसको 200 से अधिक सीटें मिलने वाली नहीं है। ठीक है।